सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धाओं व आम जनता की सेवा के लिए लोगों द्वारा अनेक प्रकल्प किए जा रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा बीमारों की सहायता के लिए रक्तदान भी किया जा रहा है। सुजानगढ़ उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास उप पुलिस चेक नाकों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र शर्मा CI मनोज कुमार की ओर से नींबू व पुदीने की शिकंजी पिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसी प्रकार टीम हारे का सहारा की प्रेरणा के बाद स्थानीय ब्लड बैंक में आपसर निवासी रामचंद्र सेन की चौथी पुण्यतिथि और उनके भतीजे सूर्यकांत सेन ने अपने परिवार और दोस्तों सहित कुल 9 यूनिट रक्तदान करवाकर स्वर्गीय सेन को श्रद्धांजलि दी। रक्तदान करने वालों में सूर्यकांत सेन, विक्रम सेन, मुकेश सेन, सुरेंद्र सेन, भवानी सिंह, मनोज जाट, रामतौर राज, पुरोहित, ओम प्रकाश मेघवाल, राकेश मेघवाल के नाम शामिल हैं। टीम के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार, सदाम कादरी, अरविंद विशेंद्रा, सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उनका सम्मान किया। दूसरी ओर सुजानगढ़ महेश्वरी सभा द्वारा राजकीय बैंकों में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं। कोरोना से बचाव हेतु करीब 125 लोगों को फेंसिंग सहित अनेक उपकरण प्रदान किए गए हैं। सभा के अध्यक्ष विमल तोशनीवाल, मंत्री श्रवण तोशनीवाल, युवा संगठन अध्यक्ष मोहित लड़ा, जिला मंत्री प्रियांशु लड़ा, अशोक जाजू, मुरली राठी, श्रीराम मियाणी, कमल तापड़िया, कृष्ण तोशनीवाल, गिरधारी तोशनीवाल, महेश सोमाणी, रोहित कंगाणी, तपन जैन आदि इस दौरान मौजूद रहे। वहीं क्रांतिवीर संघ द्वारा आवारा पशुओं की सेवा का कार्य निरंतर किया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष रोहित लाटा ने बताया कि लंकेश अग्रवाल के सौजन्य से आज हरी सब्जी व मतीरे गोवंश को खिलाकर सेवा की गई। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार चैनी के नेतृत्व में बस स्टैंड पर गायों व गोवंश को संघ के रविंद्र चौहान, मनीष स्वामी, विकास मोहल, मुकेश मोदी, अभिषेक बाटी, विकास शिकावत, पुखराज कचवा आदि ने हरी सब्जियां खिलाई। वहीं निकटवर्ती गांव लोडसर में भी गांधी आश्रम के अध्यक्ष बामाशाह सुभाष बेदी के सौजन्य से ग्रामीण को 1500 किलो सब्जी का वितरण किया गया। सरपंच कन्यालाल शर्मा ने बताया इस कार्य में जीवन भवरिया, किशन लाल सुरेश, ग्राम विकास अधिकारी जीवन राम डेरा, राजेंद्र प्रसाद, रमेश कुमार, दीपक पवन, मुरलीधर मेघवाल आदि ने योगदान दिया। दूसरी ओर घंटाघर के पास स्थित टोनी सिंह नामक दुकानदार द्वारा भी लॉकडाउन के समय से ही करीब एक माह से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए चाय पानी की सेवा की जा रही है। टोनी सिंह ने बताया कि कोरोना संघर्ष में देश के लिए वह इतना कुछ कर सकता है तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। क्रांतिवीर संघ द्वारा हमने 33 दिनों से लगातार ऐसे ही निरंतर बेसारा गोवंशों के लिए प्रयासरत हैं और भामाशाहों की मदद से हमारा संगठन क्रांतिवीर 33 दिनों से लगातार बेसारा गोवंशों की सेवा में लगा हुआ है। और इसी प्रकार हमारे जनता से एक मांग करते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी के अंदर घर के अंदर रहे और किसी प्रकार मानवों को और बेसारा गोवंशों के लिए आगे आए और हमारी हेल्प करें। ये मेरे चाचा जी की चौथी पुण्यतिथि है तो इसके उपलक्ष्य में मैंने और मेरी पूरी टीम ने मतलब आज रक्तदान का ये बड़ा फैसला लिया है ताकि उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। सुजानगढ़ महेश्वरी समाज की तरफ से आज कोरोना से लड़ने के लिए सरकारी बैंक हैं जितने भी है सुजानगढ़ में उन सारे इस बैंक्स में हम स्टाफ पूरे स्टाफ को एक सुरक्षा किट दे रहे हैं और उस सुरक्षा किट में सैनिटाइजर है, हैंड ग्लव्स है, मास्क है, फेस शील्ड है और ग्लव्स है और एक हेड कैप है। ये सारा सामान हम पूरे स्टाफ के लिए दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि सुरक्षा इनकी भी सुरक्षा हो क्योंकि हमारे वो पूरी सेवा दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए कुछ करें तो इसके लिए हमने सुरक्षा किट वितरण कर रहे हैं।